अस्सलाम वालेकुम। आज हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद टू तलागंज, जो कि रास्ता हम अख्तियार करेंगे बरास्ता सी पैक। और इस टाइम हम इस्लामाबाद में हैं और अभी तकरीबन 5:20 हुए हैं, तो अभी हमने सफ़र की शुरुआत की है। तो इंशाल्लाह फिर आपको रास्ता दिखाते हैं। ये हमारे सामने इस वक्त तबलीगी मरकज़ है इस्लामाबाद का, जो कि नहायत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इस वक्त हम M1 पे एंटर होने लगे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। सी पैक पे जाने के लिए पहले आपने एंट्री करनी होती है M1 से, उसके बाद हकला इंटरचेंज आता है जहाँ से आपने सी पैक के लिए दोबारा से एंट्री करनी होती है। जो ही आप क़याम-ओ-तमाम क्रॉस करते हैं तो साथ ही हकला इंटरचेंज के लिए रास्ता जाता है DI खान मियाँ वाली सी पैक, जहाँ से स्टार्ट होता है, जो M1 से रास्ता DI खान के लिए दिया गया। यहाँ से तो यहाँ से हम इंटर हो चुके हैं। आप
टाइम जी हमारे लेफ्ट पे ये नोवा सिटी है, जिसकी फाइलें तकरीबन हर एक बंदे ने परचेज की हुई हैं और इन्होंने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी की थी। इस टाइम हम फतेह जंग के इंटरचेंज के नज़दीक हैं, तो यहाँ से हम इंशाल्लाह आउट होंगे और यहाँ से जो पुराना रास्ता है जो हैवी ट्रैफिक इस्तेमाल करती है इसको कराची के लिए भी, और ये रास्ता डोक पठान यहाँ से तलागंग जाता है, आपको ये रास्ता भी दिखाते हैं। इस पर काफ़ी अरसे से काम चल रहा है, तो जगह जगह से रोड ख़राब है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द इस पे काम मुकम्मल हो जाएगा तो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी तलागंग के लिए। यहाँ से लेफ्ट पे फतेह जंग के लिए रास्ता है और राइट पे तलागंग के लिए। ये इस टाइम स्टार्ट हो चुका है रास्ता हमारा, लेकिन चूँकि कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे सारा रोड ख़राब है, तो इजाफी टाइम आपने जहन में रखना है क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ा लगता है हैवी ट्रैफिक की वजह से भी, और रोड चूँकि ख़राब है बन रहा है, इंशाल्लाह जब ये रोड बन जाएगा तो फिर ये बहुत शॉर्ट रास्ता है तलागंग के लिए, मोटरवे से फिर ये थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। इस वक्त हम गली जागीर पहुंच चुके हैं और यहाँ तक बीच में काफ़ी जगह पे अब रोड बन चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है रोड ख़राब होने की वजह से।
यहाँ से एक लेफ्ट रोड निकलता है जो कि चक्री को भी जाता है। इस वक्त हम हेमाडाल पहुंच चुके हैं जो कि खोड़ के एरिया में आता है, और नज़दीक इंशाल्लाह हम यहाँ पे, ये रास्ता दो रास्ते हैं आगे, एक रास्ता खोड़ क्रॉस करके अलहदा हो जाता है जो कि तलागंग के लिए इस्तेमाल होता है, और एक जो ये सीधा रास्ता है ये पिंडी गेप की तरफ चला जाता है, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे आगे जाके। यह जिस टाइम हम खोड़ पहुंच चुके हैं, तकरीबन ज़्यादा लोग खोड़ के बारे में जानते हैं, और यहाँ पे आयल फील्ड है, और यहाँ पे पूरे मुल्क से लोग आते हैं जो यहाँ पे जॉब्स भी करते हैं और मुख्तलिफ जगहों से आके यहाँ पे रहते भी हैं, जो यहाँ पे मुलाजम पेशा लोग हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ढोलिया के पास, यहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन होटल है, तो जब यहाँ से सफ़र करें इसकी चाय ज़रूर ट्राई करें, बैठक के नाम से है, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पे स्टे किया भी होगा, और यहाँ का खाना भी बेहतर है, खासकर चाय तो बहुत अच्छी है। इस टाइम हम ढुलियाँ पहुंच चुके हैं, और यहाँ से ये सीधा रास्ता जा रहा है पिंडी गेप की तरफ, और यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे, ये रास्ता सीधा जाएगा तलागाम डोग पठान से होते हुए। अब हम डोग पठान के एरिया में पहुंच चुके हैं जो कि अख्ताम हो चुका है ज़िला अटक का, इसके बाद ज़िला तलागंग जो कि पहले चकवाल में था, अभी इसको तलागंग का ज़िला बना दिया गया है, तो अभी ये जो है ज़िला तलागंग है, और अभी हम उसके हदूद में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे पीछे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो इस रोड पे सफ़र ना करें, इससे फिर बालकसर वाला जो रास्ता है वो थोड़ा बेहतर है। जब तक इसमें मुकम्मल नहीं होता, मुकम्मल होने के बाद ये काफ़ी वक्त की बचत भी होगी और ख़र्चा भी काफ़ी कम हो जाएगा,
इस वजह से फ़िलहाल चूँकि रोड पे काम हो रहा है जगह जगह और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। यहाँ से द्रेस वहाँ का पुल स्टार्ट हो जाएगा जो कि डॉग पठान के एरिया में ही आता है। शहर के नज़दीक है और रोड काफ़ी बेहतर हो चुका है। अब पीछे डॉग पठान से पीछे तक तो रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर आगे जाके रोड बेहतर हो जाता है जब सफ़र अख्ताम के नज़दीक पहुँचता है। तो इंशाल्लाह शहर के नज़दीक पहुँच के हम आपको वो भी दिखाते हैं, वहाँ पे हम अख्ताम करेंगे अपनी वीडियो का। हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं तलागंग और सर्दी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्परेचर इस टाइम जो है वो तकरीबन दर्जा हरारत 3 है। से डॉग पठान तक रोड ठीक है बिल्कुल, लेकिन डॉग पठान का जो रास्ता है वहाँ से आगे फिर जगह जगह पे रोड वैसे भी टूट फूट का शिकार है और कहीं काम भी हो रहा है तो उस वजह से भी काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। उसके अलावा चूँकि हमने तो रास्ते में काफ़ी स्टे किया, हमारे को रास्ते में भी काम था जिसकी वजह से हम लेट पहुँचे। तो बहरहाल ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तलागंग में हैं। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा, मैंने पहले भी आपको दिखाया दर्जा हरारत 3 था और हमने अभी बाईपास करना है यहाँ से। तो हमारा जो वीडियो है, हमारी व्लॉग जो है वो यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता। शुक्रिया जी।